मैंने लड़ाई की थी ना, तो की ही नहीं थी। क्यों अबू जी, मैंने की थी लड़ाई है ना? तो आप ही करती हो। बस बस वोट है मेरा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से खुश होंगे। और मोटर बंद की है यहाँ से ना, क्योंकि ये सारे मैंने कपड़े यहाँ से धो दिए, मैं इतने भी थे इनको धोकर सुखा दूँ। और यहाँ पर ना बकरी के लिए पानी रखा है, और बकरी का भी घास हुआ है, क्योंकि ये ऐसे बस मुँह चलाती रहती है, खाना इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये सुबह दोपहर और शाम को खाती है, और शाम के लिए घास पर हम रख के गए, दोपहर के टाइम हम इसे देते हैं रोटी। हाथों से सारे कपड़े धोए और फिर थक गए, जाहिर है ये तो फिर होता ही रहता है। छोटू सोया हुआ, अभी तक उठा नहीं। कैशवान मोहम्मद नाना अबू के साथ गए, अभी तक वो आए नहीं। बस मुझे ये है कि ओन मोहम्मद तंग ना करे वहाँ पे, ओन मोहम्मद ना भी तंग करता है ज़्यादा, एक तो वो शरारती है, चलो शरारतें समझ आ जाती है, लेकिन फिर वो जब तंग करता है ना वो समझ नहीं आता। फिर मैं कहती भी किसी घर जाके तंग करना अच्छी बात नहीं होती ऐसे, लेकिन बच्चा समझ जाएगा। अब यह कि कपड़े अब धुल गए हैं ना, शाम तक सूख जाएंगे, ये परेशानी भी ख़त्म होगी। हाय कपड़े पड़े हैं धोने वाले। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना जितना भी काम है कंप्लीट करती हूँ। लड्डू के उठने से पहले पहले, उसके उठने से पहले पहले तो ना आटा गूंथूंगी। तो यहाँ मैंने कहा आटा छान के ना आटा गूंद के रख लूँ। धूप भी काफी तेज है, तो मेरे पास आया था यह मेरी वीडियो बनाने वाला तो ऐसे कोई भी नहीं है। तो भिंडी है, आ जाओ तैयार। मतलब भिंडी जानते हैं ना, मैं अच्छे से ना इसे धो लू जी। ऐसे मम्मा आ गई? नहीं आगे आगे, क्योंकि कैशा का तो पता होता है कि मैंने कैसे वीडियो बनानी होती है कैसे नहीं। तैयार को तो बता बता कर ना फिर बनवानी पड़ती है। मैंने कभी असल में बनाई नहीं है ना। मैं कभी बनाई ही नहीं है, आज बना रहे। एक बार पहले भी बनाई थी याद है ना, कैमरे में देखो मैं मुकम्मल आ रही हूँ। तो बहन भाई जब तक मैं इसे अच्छे से ना भिंडी को धो ना लूँ ना, हाँ आटा मैंने गूंद लिया हुआ है, बर्तन मैंने सारे धो दिया हुआ है, कपड़े मैंने धो लिया हुआ है, अब सिर्फ रह गया वो जिन्नू उल फातिमा भी आ गई। हाँ जिन्नू उल फातिमा, वो खड़ी है उल फातिमा, दिखाओ उल फातिमा। पढ़ा है स्कूल से? मैंने कहा कि भिंडी धोकर ना इसे उसमें रखूँ छन्ने में, उसमें डाल के इसको रख दे कि इसका पानी नहीं चढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल वो छन्ना गिरा लेकिन उसमें रख दिया, सारी भिंडी क्योंकि जब तक इसको अच्छे से धो ना रहे तो चैन नहीं आता। लेकिन अभी इसी में भी पानी डालूंगी मैं, ठीक है? भिंडी जो है ना वो है इसमें, जैसे वो कचरा सा होता है ना वो ज़्यादा है, उससे ये है कि कचरा जमसा ना पानी में रह जाएगा। डालने को अच्छे से मैं इसको धोती हूँ मज़ीद। आटा ये गुना रखा हुआ हमारा ना, अच्छा आज शोर शराबा नहीं है ना, आज माशाल्लाह जो काफी देर से सो रहा है, जब कौन मोहम्मद और कैश होते हैं ना फिर ये शोर मचाते हैं, फिर तो बस ये रात ना एंटी नसीब है ना।
वहाँ अपने चारपाई पे लिटाया इसे, कमर में जैसे सुलाते हैं वैसे किया, और वहीं पे एक ही दम सो गया, उठे ही नहीं। था रात ना, मेरे पास बहुत ज्यादा सो रहा था ये, या ना ज्यादातर ध्यान से वो कैमरे के आगे आपकी उंगली आ रही है, फिर वो वीडियो नहीं बनेगी। यहाँ से मैं कहूँ ये क्यों नहीं सोता, यहाँ शोर ज्यादा होता है। शोर में ये सोता नहीं है, फिर ये बाजी नसीम के पास जाता है। अच्छा पिंडी पक्की हो जाता है, फिर वहाँ जाके आराम से सो जाता है। जब सोता है फिर बाजी नसीम से फिर मेरे पास छोड़ जाता है। खानी है भिंडी? नहीं मैंने खाई, मैं बनाने लगी, मेरे दिल अब दोपहर में बना के रखा। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है, काम काज करके थक गई हूँ, और यहाँ पर मैंने भिंडी जो है वो फ्राई कर दी, इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं कुछ। मैंने कहा आज ना भिंडी सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च में ही बनाऊँगी, और सरसों का तेल होता है तो बहुत बेस्ट होता है, मेरे बड़ी ज़बरदस्त भिंडी बनती है। दही फ्रिज में रखा हुआ निकालू, मेरे ख्याल से मेरा लड्डू बीत गया, मेरा शहजादा, मेरा पाला पाला काका उठ गया, मुझे काफ़ी देर नींद पूरी कर ली है इसने, काफ़ी देर नींद पूरी की है इसने, है ना। बाय बाय कर दो, बाय बाय। चले जी मैं अब इसको भी संभाल लूँ, और इधर अदरक लहसुन अभी मैंने पीसना है वो भी पीस लूँ, प्याज काटना है वो भी काट लूँ। हाँ जी कहा हुआ है, इधर जाना है। अच्छा इधर मैं आपको फिल्म बना के लाऊँ। अच्छा ये इधर ऐसे लेटो आप, मैं आपका फिल्म बना के लाऊँ। अदरक लहसुन टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्च हल्दी नमक डालना भूल गई थी, याद आ गया। और सफ़ेद और काली मिर्च, लाल मिर्च बस मैंने हल्का सा टच दिया है, क्योंकि सब्ज़ मिर्च है, फिर काली सफ़ेद मिर्च है, जो भिंडी मैंने फ्राई कर ली थी उसमें थोड़े से प्याज भी डाल के फ्राई किया था, क्योंकि भिंडी में जाते ज़्यादा प्याज कि मैं कम ही डालती हूँ। चाय मेरी ठंडी हो चुकी है, धूप बड़ी नहा धोकर चढ़ी हुई है, बकरी को पानी मैंने पिला दिया हुआ था मैंने, जब तक मसाला अच्छे से बन गया। अभी दही भी ऐड करना है, दही बाद में ऐड कर देंगे। ए लड्डू अल्लाह 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 ऐसे अल्लाह 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 कर देंगे। खड़ा होने की कोशिश, खड़ा तो हो जाता है माशाल्लाह ना। ऐसे बड़े बड़े हो जाओ लड्डू, बड़े बड़े होके दिखाओ। ऐसे माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, ए माशाल्लाह, ऐसे खुश होके दिखा रहा है कि मैं खड़ा हो गया हूँ, खड़े हो गए। ऐसे ओ ऐसे 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 माशाल्लाह, मेरा शहजादा, ये मेरा शहजादा है ना, है ना। ऐसे ये छत के जो मेरे शहजादे पे, अच्छा इसे मारोगे भैया को? नहीं नहीं मारते नहीं है, भैया को नहीं मारते अब। अच्छा ऐसे मारोगे, ऐसे ऐसे देखे जी बहन भाई, इसकी हरकतें चेक करो।
खुशी की दा देखो, खड़े होना सीख गया, खुशी खुशी की दा देखो। लड्डू लड्डू नहीं, कई बार खड़ा होता है ऐसे। ऐसे खड़ा हो जाता है, एक मिनट के अंदर खड़ा रहता है। एक क्या है? झगड़ा करोगे? झगड़ा करोगे ऐसे चक्कर में? भिंडी बोली गई, वैसे भी बन गई है। इसमें जीरा भी मैंने ऐड कर दिया था। ये हमारी मज़ेदार भिंडी बन के तैयार है। जब सब आ जाएंगे फिर रोटी का उस टाइम सोचेंगे कि क्या करना है। ढाँक दो इसको ना, चम्मच निकाल के। चूल्हा भी धोती हूँ आज ना दोबारा से फिर। तो जी अब्बू जी घर आए हैं और ओन मोहम्मद का है? ओन मोहम्मद के। अच्छा पी के तो चला गया। हाँ जी, चाय दो अब्बू जी। चलो मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि अब्बू जी का भी ना सबसे पहले चाय का होता है। और आज किस्मत इतनी अच्छी कि आज 5 बजे गैस भी आ गया। और मैंने यहाँ से सारा फर्श धो लिया हुआ था, इधर से भी धुल चुका है और यहाँ से भी सारा फर्श धुल गया है। बाकी जनसा ना रोटी है, मैंने कहा खुद हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि कार आई थी, कह रहे थे कि मैं मुजफ्फरगढ़ से निकल चुका हूँ, क्योंकि गए भी मोटरसाइकिल पे ही है तो यूसुफ भाई भी और वो भी दोनों। पहले तो मैं उसी को चाय दूँ और बाद में तवे पे है। भिंडी हमारी ना ये बन चुकी है। पहले मैं रोटी सेक लूँ। यहाँ पे ना तो मक्खी भी ऐसे आई है जैसे ना जहेज में नहीं मिली होती, जैसे बारात में आते हैं, जैसे बारात में आवाम नहीं आती ऐसे, बरात समझ के आई है मक्खियों की। तो जी दो रोटी धोखी थी यार। अबू जी भूख तो नहीं लगी कहीं? नहीं, खाना खा के आया ना? मुझे भी नहीं लगी, मैंने खाया। आप भी खा के? चल कोई नहीं, मैं बस रोटी बना के रख लूँ ना। मुझे ये कह रहे जब खुद हम आएंगे ना खाना खा लेंगे। तो कैसा चाय नाना अबू को दो? और मोहम्मद आ गए। क्या लेके आए हो? तो जनाब भी आ चुके हैं। किसी का दिल दुखाओगे तो यही हाल होगा, किसी का किसी गरीब का दिल दुखाओगे तो यही हाल होगा। अगर यही बात मैं कहूँ, कह दो यही बात मैं कहूँ, मैं भाई इन पे कैमरा भी जानती हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, कैमरा मैंने इन पे उठाना नहीं था लेकिन उठा ही लिया। चलो बड़े बहन भाइयों की फरमाइशें हैं, कहा सुलह करो सुलह करो सुलह करो, आखिर अब्बू जी कभी आना ही पड़ा। ठीक है, और ये लड्डू देखो जी। जी जेबी भैया की शादी है इस महीने। जेबी भैया? अच्छा, अब्बू जी ने वो किया है कि ये नीम नहीं होती इसकी मिसवाक, अलग कड़वा हो जाता है इससे। तो चलो लड्डू। अच्छा तो क्या मतलब आपका, आप जेबी भैया की शादी की भी तैयारी करें? हाँ जी, तो जी मैं गया हुआ था अपने किसी काम से, तो आज आया हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आके, मैंने सिर्फ थोड़ी देर खाना खाया है और इन्हें सूजी मंगवाई है वो ला कर दी है। तो और मेरा लड्डू बैठा हुआ यहाँ पर। क्या है?
बैचे लड़ाई रही है हमारी 4 से 5 दिन है ना। मेरी तो नहीं रही, इन्हीं की रही है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैं तो लड़ता ही नहीं। या अल्लाह मेरी तौबा, झूठ बोले कौवा काटे मकवे काटे। सुन ले बहन भाई, देख ले, चले देख रहे तो दोस्त है कि मेरी मैंने लड़ाई की थी ना, तो की ही नहीं। क्यों अबू जी, मैंने की थी लड़ाई है ना। तो आप ही करती हो। बस बस, वोट है मेरा, वोट है मेरा। बेटियां बसानी होती है ना, फिर बाप ऐसी बातें कह ही देते। जी नहीं, जी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो वोट है मेरा। जी 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 जी, ऐसा होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में ना बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना। बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों में। ले कोई नहीं, फिर हलवा बनाए, फिर हलवा बनाए, फिर अभी मम्मा जी बोलने लगी थी हलवा बनाए। हलवा 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 बनाते हैं। मेरा और मम्मा कहते हैं कहाँ वो, नजर नहीं आ रहा। वो आते ही बजन सीम की तरह नमाज पढ़ने गया है। वो ना मगरिब के टाइम नमाज पढ़ने जाता है बब्बू के साथ, फिर ईशा के टाइम भी जाता है, दोपहर में भी जाता है वो नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह हमें भी तौफीक दे। तो पहले बहन भाइयों फिर एक साथ क्या करें। बाय 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 बाय। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले बहन भैया मैं फिर कहूँगी, यकीन माने ड्रामा नहीं, तो 4-5 दिन हमारा कभी भी कोई ड्रामा नहीं होता। हमारी वाकई लड़ाई हुई थी और इसीलिए अबू जी भी इसीलिए आए हैं कि वो सुलह सफाई के लिए, क्योंकि जो है मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे आपस के। जाहिर बात है जिस घर में बेरोजगारी हो वहाँ पर मामला ख़राब हो ही जाता है। जी जी, तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते अपने बहन भाइयों का, जो मुझे हंसकर भी देखते रहे और मेरे दुख पर वो रोते भी रहे और बाज़ लोग मेरे हाल पर हंसते भी रहे। तो चले जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी किसी के कहने में आकर अपने घर पर बार मत करें। अल्लाह हाफिज़।